सर जी जी नहीं जी सर जी 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 व्हाट्सअप ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल ईश्वर बॉय लुपरकल बॉय। तो गाइस फिर से स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पे। तो वेल गाइस अभी बच रहे सुबह का 6। तो अभी फिलहाल हूँ मैं रूम का बाहर में हंडर का ऊपर बैठा हुआ है। एक्चुअली आज मेरा हंडर का सेकंड सर्विसिंग होने वाला है, तो उसी कारण आज हम जाने वाले हैं तिनसुकिया। नामसाई पे भी है सर्विस सेंटर, लेकिन यहाँ क्या होता है कि प्रोफेशनली नहीं कर देते हम पर सर्विसिंग वहाँ के, तो एक्सपीरियंस करके देखेगा वहाँ का जो यामाहा सर्विस सेंटर है कैसा होगा। तो नामसाई में तो शोरूम नहीं है, बस सर्विस सेंटर है। तो पर सर्विसिंग वहाँ हो गया और सेकेंड सर्विसिंग हम सोच रहे कि तिनसुकिया जाके करेगा। और कल रात क्या हुआ कि हमने हंटर को अंदर नहीं घुसाया रूम पे, तो हमने यही कल छोड़ दिया था। तो आप लोग देख पा रहे कि नहीं, लेकिन हमको देख पा रहे, यहाँ स्पाइडर का वेब बन के बैठा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। तो इसी कारण हम हंटर को अंदर रखते हैं। यूजुअली हम पहले बाहर भी पार्किंग करके रखता था, हम प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, देख सकते हैं यहाँ स्क्रैच डाल दिया हुआ है। LCD पे भी थोड़ा सा असर हो गया होगा, स्क्रैच आया होगा, लेकिन कोई बात नहीं, हमने टेम्पर ग्लास ऑर्डर कर लिया। गाइस मत सोचना कि ये डेड बॉडी है, डेड बॉडी नहीं है, सो रहा है अभी तक। तो इसका वजह से अभी भी थोड़ा सा डिले हो रहा है। दोस्त भी जाना है अपना, एक फ्रेंड है उसको भी जाना है तिनसुकिया। उसको यहाँ नामसाई पे प्रॉपर बुक स्टॉल भी नहीं है, तो उसको तिनसुकिया जाके कुछ बुक्स ढूंढना है, तो वो भी मेरा साथ जाएगा बोला है। तो अभी तक सो रहा है, कब उठेगा। तो हम दोनों साथ में जा रहे हैं आज, कल से यहाँ आके सोया हुआ है, सुबह तैयारी यहाँ से निकल जाएगा बोल के अभी तक सो रहा है, पता नहीं कब उठेगा, उसको वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही जाएगा तिनसुकिया की ओर। गाइस तो फाइनली हम रेडी हो चुके हैं, अभी दोस्त को वेट कर रहे हो, आता ही होगा, अभी रेडी कर रहे हैं। जो मेरा घर से गियर सब हो चुका है, तो ये मेरा लेग गार्ड है, तो इसे पहना है, और एक बूट से हेलमेट है, और जाते हुए ग्लव्स पहन लेगा। वेल गाइस तो निकल चुका है हम लोग अभी, सबसे पहले तो पेट्रोल भरा लेगा, फिलहाल पेट्रोल नहीं है, 3 स्टिक तो है, लेकिन नहीं लगता है जुड़ेगा तिनसुकिया तक। यहाँ से 100 किलोमीटर होगा शायद नामसाई से अप्रोक्सीमेटली, 1 लीटर 500 से आराम से आना जाना हो जाएगा, क्योंकि मेरा 1 लीटर में समझ लो कि 48 या 49 प्लस देते अभी फिलहाल, तो हमको 500 तक आना जाना हो जाएगा। 400 पे 4 लीटर ऐसे ही मान लो। तो गाइस आप लोग भी कोई मेरा जैसे नया है तो समझ जाओ कन्फ्यूज होने का नहीं रास्ता को, जो तिनसुकिया का रास्ता है मेरा ख्याल से तो बहुत लोग जानता भी होगा रास्ता को, लेकिन मेरे लिए नया है तिनसुकिया, तो कुछ नहीं जाना है आपको, कहीं भी नहीं जाना है, बस हाईवे से कंटिन्यू जाना है, जो हाईवे है नेशनल हाईवे है वहीं से जाना है। आप अगर नामसाई से जाता है तो भी सीधा हाईवे जाके तिनसुकिया डिब्रूगढ़ सब मिल जाएगा, ऐसा हो कि ईशानगर जाते हैं यहाँ के लोग। लड़की कर गई ब्यूटीफुल, कर गई चुल, थैंकी कर दे पुल, ठीक है ना दोस्त। भाई साहब क्या कर रहे हैं ये लोग। वेल गाइस आप कह सकते हैं कि नामसाई के बाद आसाम भी शुरू हो जाता है, आसाम का बॉर्डर, क्योंकि नामसाई में भी यूजुअली आसामीज मिक्स ट्राइब रहते हैं, यहाँ आदि भी रहते हैं, कामती भी, सिंगपो वगैरह भी, लेकिन ज़्यादातर आपको थोड़ा नामसाई से आगे जाएगा तो नोट्राई वैली मिलेगा, तो यहाँ का जो असमिस लोग है वही बहुत ही, और मिसिंग भी आपको मिला जाएगा, तो यहाँ का डायरेक्ट जो एरिया है चेंज हो जाता है, डायरेक्ट असम असम लगता है, और जो हमारा अरुणाचल है वो थोड़ा अलग से हो जाता है। तो आप नामसाई को अरुणाचल बोलने से भी ज़्यादातर असम जैसे ही एरिया तो छोटा टाउन है, पुलिस स्टेशन महादेवपुर, अच्छा महादेवपुर अभी पता चला है महादेवपुर है, मेरा एक क्लासमेट है वो महादेवपुर से आता है,
वो बोलते रहते हैं हमेशा महादेवपुर महादेवपुर, अभी पता चला महादेवपुर कहाँ है। नोएल गाइस, आप लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन दिया था, जिब्रू ओ सॉरी तिनसुकिया यहाँ से 64 किलोमीटर है। हमने सोचा 100 किलोमीटर कुछ होगा, 64 है तो हमने पेट्रोल ज़्यादा ही डलवा लिया, 2-3 लीटर में भी पहुंच जाता आराम से। यहाँ क्या हो रहा है भाई साहब, अभी देखा मैंने साइन बोर्ड तो 64 है तो हम पेट्रोल ज़्यादा ही डलवा लिया। एक्चुअली 64 किलोमीटर में तो मेरा 2 या 3 लीटर भी हो जाता था आराम से आना जाना। हमने सोचा कि 100 किलोमीटर होगा अराउंड, तो 100 हो जाएगा टोटल किलोमीटर आना जाना में, तो कोई बात नहीं। पेट्रोल तो बाद में भी हमको डालना ही था, क्योंकि कॉलेज के लिए यूनिवर्सिटी के लिए आना जाने के लिए पेट्रोल डालना ही पड़ता है, तो बच्चे बच्चा को यूज़ कर लेगा। गाइस अभी फंसा हुआ है ट्रैफिक में, बहुत ही ट्रैफिक है यहाँ, और लगता है ये माकूम है, ऐसा कुछ करने को मिल रहा है माकूम स्टोर एंड एजेंसी। हाँ और गाइस यहाँ एरिया बहुत ही रिक्स है, राइट साइड में है हाईवे। अरे क्या कर रहे हैं भाई साहब, राइट साइड में आपका हाईवे और लेफ्ट साइड में है आपका रेलवे पटरी, तो ऐसा है। तो बहुत रिक्स से अगर रेलवे प्रॉपर जाता है तो ह्यूमन बींग के लिए बहुत डेंजर होगा। ले भाई ट्रैफिक ही ट्रैफिक, तो थोड़ा सा रेलवे पटरी को अलग करने से दिखता, यही आदमी जाता है फिर यही है रेलवे पटरी, रेलवे ट्रेन जाता है कि नहीं जाता है वो कंफर्म नहीं है हमको। हम लोग है रास्ता को कंफ्यूज, क्योंकि यहाँ से एक रेल का पटरी जाते हैं और रास्ता को हाईवे को 2 भाग में डिवाइड करता है, एक ऊपर एक नीचे, तो यही में से कहीं से पूछ लेगा। देख सकते हैं हम लोग रेल का जो ट्रैक है रेलवे ट्रैक, आगे जाके पूछ लेगा किसी को। नो आई एम नॉट श्योर, स्टूडेंट न के मैं। चलिए ये लड़का को ही पूछ लेते। ब्रो ब्रो हेलो भाई, ये तिनसुकिया का रास्ता ये है ना, तिनसुकिया रास्ता ये है, यहाँ से जाते हैं ना तिनसुकिया। ओह होगा, थैंक यू। दुमदुमा कॉलेज, दुमदुमा। वेल गाइस फिर से हम एक असम के अंदर में एक टाउन के अंदर है, फिर से टाउन का नाम है दुमदुमा ऐसा कुछ था, एग्जैक्टली प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा है हमसे। तो यहाँ रेलवे का पटरी पे ही सब सब्जी उब्जी बेच रहे हैं। लगता है यहाँ ट्रेन नहीं जाता है अभी। वाह बहुत ही ट्रैफिक है यहाँ भी। क्या हुआ, रेड सिग्नल है क्या जी? जी नहीं जी सर, जी भी वही ढूंढ रहे, पहले से मैप में भी नहीं मिल रहा, पीछे में है सर। 500 मीटर जी सर, थैंक यू सर। जी है, थैंक यू सर। तो यहाँ पता नहीं चेकिंग हो रहा है ना क्या हो रहा है। थैंक गॉड हम लोग ने हेलमेट पहना, नहीं तो चलान कटवाना था यहाँ पे क्या। एक्चुअली मेरा दोस्त को ही देख के पुलिस जो रुकाया था, वो मास्क नहीं पहना था, ऊपर से उसका लुक्स जो है डायरेक्ट ट्राइबल लगता है हम लोग का, अरुणाचल का लगता है।
इसीलिए उसको रुकाया पीछे, हम बोला तो उसको हेलमेट लेके आओ लेकिन लेके नहीं आया। वेल गाइस फाइनली पहुंच गया हम लोग, कैसे कैसे करके यहाँ पहुंच गया एक्सिस मोटर्स। भाई वेल गाइस बहुत सारा बाइक अवेलेबल है यहाँ पे, FGX है, उसके बाद ये है V4 और ये आपका V3 का V6 वर्जन होगा, और ये जो V4 है जो कि बहुत कूल है देख सकते हैं, ब्लू कलर में है। ये वाला यूजली हमको ये वाला बहुत पसंद आया बाइक, जो इसका कलर है। तो यहाँ कह रहा है कि सर्विस सेंटर नीचे पे है, नीचे जाना पड़ेगा अभी। बाप रे बाप ट्रैफिक जिंदगी में इतना ट्रैफिक से गुजर नहीं गुजरे, बाप रे बाप। काला गीतो पहने गाइस अभी पीछे दिया है बाइक को सर्विसिंग के लिए, लगते थोड़ा सा लेट होगा, मेरा टोकन है 6 नंबर पे तो बहुत देर हो जाएगा हमको। तो फिलहाल अभी हम शोरूम के अंदर में देख सकते हैं ऐसा कुछ है। आपका सर्विस सेंटर हो गया पीछे, और बहुत अच्छे तरीका से जो इंटीरियर है उसका बहुत अच्छी तरीका से डिजाइन करके रखा है। तो बाहर भी बहुत सारा गाड़ी भरा हुआ है स्टॉक में, और फिलहाल ये लोग का पास अभी V3 का ये लास्ट एडिशन होगा शायद, इसके बाद ही RM और V4 लॉन्च हो गया। देख सकते यही V3 का लास्ट BS6 मॉडल होगा। तो आप लोगों ने पूरा देख लिया होगा इंटीरियर, जो 300 रुपया का यामाहा शोरूम है, तो विजिट कर सकते हैं जरूर, बहुत अच्छा शोरूम है। सर्विस सेंटर ये भी बहुत अच्छा है, अभी मेरा किया जा रहा है एंट्री करके रखा है, थोड़ा सा लेट होगा। तो आप लोग को मिलती है सीधा जब सर्विस ओवर हो जाएगा, उसके बाद ही आप लोग को मिलेगा। फिलहाल कैमरा पे भी बैटरी नहीं तो चार्जिंग पे डालना पड़ेगा। वेल गाइस देख सकते हैं यहाँ एक MT15 जो कि ब्रूटली एक्सीडेंट हुआ है, पता नहीं इसका जो ओनर था डेथ हुआ है कि नहीं, पूरा डैमेज हो गया बाइक। BS6 मॉडल था ये, यहाँ और ये सॉल है भरा हुआ है। बिल्ली पूरा टेरा हो चुका है। फाइनली हो गया सर्विसिंग, हो गलवा। वेल गाइस तो जाते जाते बता देगा, ओवरऑल बहुत वेट करने के बाद फाइनली हो गया। तो हम जाते जाते बता देगा कि क्या क्या चेंज हुआ है और कितना किलोमीटर में वापस सर्विसिंग नेक्स्ट सर्विसिंग करना है। और ज़्यादा स्मूथ हो गया बाइक जो, तो हम लोग टोकन लेके सर्विसिंग करना पड़ा है, क्योंकि और भी बहुत सारा बाइक्स था सर्विसिंग के लिए। 2-3 घंटा वेट करने के बाद फाइनली हो गया मेरा। मेरा जितना टोटल कॉस्ट था हमको पड़ा है 1000। ऑयल फिल्टर चेंज किया है, उसके बाद
इंजन ऑयल चेंज हुआ है और कुछ कार्बन क्लीनर था। ओवरऑल जो सर्विस दिया है वो लोग बहुत अच्छा था, बहुत प्रोफेशनली कर दिया है, तो बाइक और अच्छा लग रहा है। और यहाँ अगर आसाम में आके बाइक चलाते तो बहुत केयरफुल से चलाओ। अभी हम लोग हैं न्यू तिनसुकिया में, और तिनसुकिया आगे है जहाँ पहले हम रास्ता भटक रहा था। काफ़ी लेट हो गया, तो गाइज हम दोनों को एक्चुअली दोस्त को भी बुक्स ढूंढना है, यहाँ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। नामसा भी तो प्रॉपर बुक स्टोर भी नहीं है, आपको जो सिलेबस में मिलेगा वो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो भी बुक्स ढूंढने के लिए हमको भी और कहीं जाना था, और एक मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर पे। इन सुना तो तिनसुकिया में बहुत चीप से बनता है मोबाइल, सच है ना झूठ, जाने के बाद ही पता चलेगा। और ये ब्लॉग, मेरा ब्लॉग काफ़ी लंबा होने वाला है, तो आप लोग प्लीज़ यहाँ से पॉइंट आउट कर रहे दोस्त जो मैप जो, तो अभी भी बोला था हमने ब्लॉग काफ़ी लंबा होने वाला है, तो आप लोग प्लीज़ स्किप ना करें, देखते रहिए। फ़ोन का कुछ रिपेयरिंग के लिए पूछने गया था, कुछ पार्ट्स ख़राब हो गया था, तो यहाँ बहुत सस्ता में बन जाता है। A50 का जो डिस्प्ले और प्लस ये है टच प्ले दे, उसका आपको 2000 में बन जाता है यहाँ पर, तो बहुत चीप से बन जाता है। अगर आप पासीघाट पर बनेगा तो अराउंड 7-8000 चला जाएगा। वेल गाइस, अभी निकल रहे हम लोग तिनसुकिया से, यहाँ थोड़ा शॉपिंग भी किया था तो लेट हो गया। बॉय बॉय, जाओ 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 जाओ, थोड़ा सा जाने दो, उसके बाद आगे हम कंटिन्यू करेगा, बहुत रात हो चुका है अभी। तो आज का वीडियो भी यहीं पे हम एंड करेगा, और उसके बाद चैनल पे नया है तो प्लीज़ टू सब्सक्राइब माय चैनल। बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक है, बात भी नहीं कर पा रहे, ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि अपना एरिया नहीं है, कुछ होगा तो हम लोगों को ही पेज करना पड़ेगा, चाहे हम लोग सही हो या गलत, राइट वे पे हो या रॉन्ग वे पे। तो वीडियो एंड करेगा, चैनल पे नया है तो प्लीज़ टू सब्सक्राइब माय चैनल, और ज़रूर कमेंट किया करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।